उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव के अंदर 3 नंबर की पार्टी बनने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी आखिर खुश क्यों हैं? बीएसपी पंचायती राज चुनाव में भाग नहीं लेती है, अब तक का ये रिकॉर्ड रहा था, लेकिन पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवार पंचायती राज के चुनाव में उतारे और इन पंचायती राज के चुनाव में उतारने की वजह से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कई जिलों के अंदर बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जिन क्षेत्रों के अंदर सहारनपुर, अमरोहा, गाजीपुर ऐसे क्षेत्र श्रावस्ती में जहाँ पर उनके सांसद हैं, उनके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है जैसे मथुरा, आगरा, वहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना वर्चस्व वापस पाने में कामयाबी हासिल की। आगरा का भी दलितों की राजधानी या वोट बहुजन समाज पार्टी की वोट बैंक कद्दावर नेता माना जाता था या कद्दावर क्षेत्र माना जाता था, लेकिन पिछले चुनावों के अंदर, लोकसभा चुनावों के अंदर और विधानसभा चुनावों के अंदर बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से आगरा में करारी शिकस्त मिली उसके चलते आगरा उनके हाथों से छिटकता नजर आया। लेकिन जिला पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एक उत्साहवर्धक यहां पर सीटें जीतकर एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी इसी बात से खुश है कि उनके किसी बड़े नेता ने प्रचार नहीं किया, ना उनके सांसदों ने प्रचार किया, ना उनके बड़े विधायकों ने कोई प्रचार किया, ना ही बड़े नेताओं ने प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जिला जो कि इकाई थी या जिस व्यक्ति ने टिकट लिया था उसी ने आपको बता दें कि अपने दम पर प्रचार किया था और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल या माने तो एक तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का फोटो या मानेवर साहब कांशीराम जी के फोटो के नाम पर जिस तरीके से पार्टी को वोट मिले वो पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाले थे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का लोगो लगाकर लगातार जगह जगह पर लोग चुनाव लड़े थे और उसी के वजह से या उनके समर्थक के उम्मीदवार जीत कर आए। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी इसी बात से खुश है कि पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार के चुनाव के अंदर भी उन्होंने काफी बड़ी ज्यादा जो सीटें हैं वो जीत हासिल की है। 361 से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं। कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यह दावा कर रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं वो आपको बता दें कि उनके उम्मीदवार है। प्रत्याशियों के जीतने के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने खुद प्रेस नोट जारी करके खुशी जाहिर की और अपने जितने भी पदाधिकारी थे उनको उन्होंने बधाई दी। और इसके पीछे कारण यह भी रहा क्योंकि विधानसभा के हुए उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को उनके गढ़ के अंदर ही झटका लगा, अंबेडकर नगर जैसी सीट बहुजन समाज पार्टी हार गई, तो जिला पंचायत चुनाव के अंदर उन्होंने बीजेपी को मथुरा जैसे राज्य जिले के अंदर हरा कर कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूंकने का काम किया है। 2022 के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये आपको बता दें कि नतीजे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को एक नई आशा, एक नई किरण देते हुए नजर आ रहे हैं। मिले किस नए वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आप चले थे विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ट्विटर पर मुझे फॉलो बिल्कुल कर लें।